बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर प्रोजेक्ट नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। मौजूद हूं यहां पर किसान का एहतजाजी मार्च एक और यहां पर पहुंच चुका है वफाकी तौर पर इस्लामाबाद में। राणा सनाउल्लाह ने पिछले जो चंद दिन पहले यहां पर मार्च आया था उनसे भी कुछ मुज़ाकरात किए थे, कुछ वादे किए थे, कुछ वईद किए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज फिर किसान अपनी तमाम जमा पूंजी करके अपनी बसों गाड़ियों पर यहाँ पर पहुंचे और अपनी अरदास कहें या अपनी जो इल्तजा है वो यहाँ पर रखने के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में वीडियो में दिखा सकता हूँ कि जनाब कंटेनर खड़े कर दिए गए, फोर्स लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रात इनके खिलाफ ऑपरेशन करने का इरादा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर इन किसानों की आवाज़ क्या है, ये क्या कहते हैं, इनके मुतालबात क्या है, ये तमाम आपको इन्हीं की ज़बानें सुनवाते हैं और कितने जायज़ हैं। और अगर आप समझते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो पूरे पाकिस्तान का जो है पेट पालते हैं, ये गल्ला उगाते हैं, आप और हम खाते हैं सुकून से, हमें पता भी नहीं होता कि ये जमीन का सीना जो है चीर कर अपने खून और पसीने से जमीन का सीना चीर कर जो है फसलें उगाते हैं। आज एक तरफ सैलाब और बारिशों ने मारा है और दूसरी तरफ महंगी खाद और महंगी बिजली ने इनको मारा है। इनका क्या कहना है, इन्हीं से बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। कहाँ से है? जिला उकाड़ा से। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? कोई बात नहीं। अच्छा, सापा सिर लदार सकने रे की टेंशन है, भी जाले से एक। अच्छा, वो भी तो डील सब चक वाडी लेंदा ना, वो तो सपेरे है गेंदे, सानू भी कुछ संभाल लवे दा। पानी का लगाने के लिए कितने पड़ जाता है हर घंटा? मतलब अगर 6 एकड़ को आपको पानी देना हो, एक महीने का कम अज कम 30,000-35,000। अच्छा, जो के महीने च 35,000 तीन पानी लगते हैं, सिर्फ दो या तीन पानी। अच्छा, इस मौसम में तीन पानी लगते हैं, उन्होंने 30-35,000 रुपया लगते है, जो के ज्यादा है। पहले 5 रुपये 35 पैसे सी इन्हों की हुकूमत जी, इन्हों की हुकूमत जी कोई टैक्स नहीं सी। इमरान खान आया, उन्हें वो QTR मुतारफ कराई था, उस बाद फ्यूल प्राइज आए थे, इन्हें मुतारफ कराई थी, उन्हें फ्यूल प्राइज लाई सी, उन्हें मुखर करते सी, इन्हें आज सोने तो सुहागा ये किया कि इन्हें आज दोबारा जो फ्यूल प्राइज खत्म में करी अर्जी करता भी यूनिटा के हिसाब न ले सन 4 रुपये तो कुछ पैसे गल बन पर यूनिट फ्यूल प्राइज लाओ, 15 रुपये 29 पैसे वो तुसी यूनिट का रेट करो, टैक्स लेदा। कार्रवाई की जाती है और आपकी तादाद ज्यादा के रियासत से तो टकरा नहीं सकते ना सर? नहीं, रियासत ना से टकरावा भी नहीं, रियासत टकराना तो जी तो से आए, रियासत नहीं थी, वो तो रियासत ही है। इससे राणा सनाउल्लाह की रियासत है यहाँ पे? यार राणा सनाउल्लाह कौन है? वो साढ़े दाखला 23 किलोमीटर का मैंने पता है, वो साढ़े को फैसलाबाद बैठे। अच्छा, अगर अस उन जाति तो टकराना होता तो फैसलाबाद सद लेंगे, जे अगर पुलिस ना टकराना होता तो साढ़े को पुलिस भी हैगी है, सानू इतने 400-500 किलोमीटर जिस पर यकीन दहानी कराई जाए तो आप वापस चले जाएंगे, नोटिफिकेशन कर देना चले जाओ। किस चीज का? जे साढ़े मुतालबे ने खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, 14,000-15,000 रुपया तो पता ही कौन पे, फार्स फोर्स किन्नी है, अन्नी पींदी पीछे पहले तो कुत्ते खांदे आए, हुण अखां नहीं पींदी तो कुत्ते खांदे पे ने, कोई रोकदा ही नहीं पे। उर्दू में बात करें ताकि मैक्सिमम लोग समझे। पहले इस तरह होता था कि जो म्यार होता था क्वांटिटी होती थी वही क्वालिटी होती थी, अब क्वांटिटी और है और क्वालिटी और है, हमें तो पता ही नहीं है कि एक बोरी DAP में फास्फोरस कितनी है। बुजुर्ग करो, बुजुर्ग को तुहाडा तुसी अरेस्ट करो दा फिर। हां जी, उमर है तुसी इत्थे आए हो? हां जी। क्यों आए मंगाए? ऐसे जमीन लाया मैं ले मारे इत्थे आए। अच्छा, सानू 5 रुपये 5 रुपये पैसे सानू 70-80 रुपया खा दिता है, बिल सानू अगे 10-15 आया है, सानू 2 लाख बिल आया है, पिछले चाहिए चंगे यहाँ पर। किसानों की जो है एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने मुतालबात लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अंधेरा घूम अंधेरा छाया हुआ है। इंतजामिया की जानब से इन यहाँ पर जो है लगता है ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, फोर्स की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर भी बुलाया गया है, कंटेनर के जरिए जो है यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक किया गया है, ये रास्ता पार्लियामेंट को जाता है, यानी कि पार्लियामेंट को जाता है, लेकिन इस वक्त आपको कुछ भी आपको नहीं दिखा सकते,
क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत डिफरेंट है और यहाँ पर देख सकते हैं लाइटें बंद है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या पैगाम है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कहते हैं? हम आए हैं किसान चाद है। अच्छा, ये सानू खराब कर रहे हैं, ऐसा हक की तरफ आए हैं। अच्छा, हम हक लाएंगे। हक कहाँ से हैं आप? बिहारी से। बिहारी से आए हैं? मामला के बिलों में बहुत ज्यादा। क्या मुतालबात क्या है? हमारा पहला मुतालबा ये है, ये टोल पे टैक्स लगाया ना, फ्यूल प्राइस में फ्यूल प्राइस और टैक्स लगाए हुए हैं टोल पे और घरों पे। खाद जो है डी ए पी वो 15,000 रुपए में मिल रही है, यूरिया खाद जो 15,000 में एक बोरी है सर, यूरिया खाद जो है 3,035 रुपए मिल रही है। ये हुकूमत क्या कर रही है, किसानों के साथ क्या करना चाहती है? ट्यूबवेल का एक बिल जो है जोधा रेट का बनता है तकरीबन 70-80,000 रुपया, लेकिन 2.5-3 लाख रुपए ट्यूबवेल का बिल एक महीने का आ रहा है। काफी दफा जो है इंतजार की खाल दिया है, वार्निंग दिया है हुकूमत को, किसानों के साथ कोई मुजाकर हुए हैं अभी तक? एक हमारी ये बात हमारे मर्जी क्या तो पता लेकिन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, हमें जाना नहीं है, बस हमारे किसान तो बहुत जब दिल निराशा हो चुके हैं, वो आगे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी क्या तो रोक रही है कि आप आराम करें आप इंशाल्लाह। कितने लोग हैं आप लोग? हमारे लोग इंशाल्लाह 20-25,000 लोग हैं। अच्छा, 200 जो है बड़ी बस है बत्तर सिटी और 100 छोटी मस्जिदें हैं और 200-250 कार है हमारे पास। अच्छा, चंद दिन पहले भी आए थे, फिर क्यों वापस चले गए थे? ये वो हमारा दूसरा ग्रुप आया था, लेकिन उन्होंने इन्होंने उन्हें भी ये कहा था कि 28 दिन तक जो है ना हमारे साथ थोड़ी सी हमला हुआ है वो चले गए, लेकिन हमारे इंशाल्लाह जो है ये जो अगले आए थे वो तादाद थोड़ी सी उन्होंने हमला हुआ वो चले गए। अच्छा, वो अपने डर में आ गए, डरेंगे नहीं, लेकिन जो तादाद होना ही इंशाल्लाह डरेंगे नहीं, अपना हक लेके जाएंगे। ठीक हो गए जी, असि अपना हक लेना आया, असि हक लेके जाएंगे, कोई साडी लड़ाई नहीं हैगी, कोई साडा झगड़ा नहीं है और किसी किस्म का, जो साडा हक असि मांग रहे हैं सानू वो मिल जाए इंशाल्लाह। इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपकी बात की समझ नहीं आई, आपने क्या किया पाकिस्तान में? क्या सियासी जमातों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं सर, मेरी गल सुना, पाकिस्तान में दो पावर बहुत बड़ी हैं, फौज पहला नंबर, दूसरा नंबर किसान है, जेड़ा पूरे पाकिस्तान नु गंदम दे रही है, कोई चीज चला रही है। चाचा अगे होना क्या कदी उम्र बाल सफायद हो गए ने, इस तरह दे पहले हालात देखे ने कदी? नहीं कदी नहीं देखे। अच्छा, क्या आखदे हो? बिजली दा बिल जेड़ा 3 लाख रुपया आ रहा टैना दा, कार दा आ रहा 40,000-50,000 रुपया, 10 यूनिट छड़दे ने ते 50,000 रुपया ला जांदे, असीं आपदा हकूक लैणे। तो तुसीं सोलर ते कन्वर्ट क्यों नहीं होया दे? गरीब बंदे आने की तरीके में कितने करेंगे? गरीब बंदे जमीदार ने पहले कुछ शहर है कि हर महीने डाका मार रही है कि कोई चीज बचे कोई तो फिर ही सोलर वाली साइड पे जाया जावे, इन्हें तो अखरा जात ही नहीं सोलर ला सकी है। बिजली तो महीने का बिल ही नहीं पूरा होता, घर का नहीं पूरा होता, 2.5-3 लाख रुपया दूसरा। क्या मुतालबा करेंगे कि वो सोलर पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत सपोर्ट करे ताकि बिजली से बना सके? हमारा ये तो पहले भी हमारी क्यादत ने मुतालबा किया था कि जो भी है ना पंजाब के जितने भी ट्यूबवेल है 90,000 के करीब है तकरीबन, उनको सोलर सिस्टम पर कर दिया जाए, इससे गरीब आवाम को फायदा होगा और बिजली का भी लोड कम होगा।